उसके बाद आप लोगों के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉ है जिसको हम डिराइव करेंगे, जो पेपर में भी आ सकता है, और वो क्या है? अ फंडामेंटल लॉ। अभी है क्या, आप प्रूफ कैसे करना है इसको, उसकी आप वर्किंग देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, कुछ मैं स्टेप मिस नहीं कर रहा एज इट इज़, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो मेरे नोट्स बनाएंगे, बाकी तो आमतौर पर सेंटर में पढ़ रहे होते हैं, उनके पास नोट्स होते हैं, तो जो नोट्स बनाना चाहता है बना ले, वैसे भी बना सकता है, लेकिन मतलब इसमें मैं कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा, बड़े तरीके से ऑर्डर से करवा रहा हूँ, वो अलग बात है, छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं स्किप मैंने कुछ नहीं किया हुआ। खैर, प्रूफ कैसे करोगे? सबसे पहले आपने कंसीडर करना है एक यूनिट सर्किल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन के ऊपर है। लेट कर लो पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं सर्किल के ऊपर, पी और क्यू दो पॉइंट है सर्किल के ऊपर, सच दैट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी बीटा के बराबर है। पढ़ने का तरीका है ये, तो वो बोलना क्या चाह रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी, देखो ये है एक्स, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस, तो एंगल किस तरह शो कर रहे हैं, एक्स ओ पी, मतलब इस तरह बन रहा होगा एक्स ओ पी, तो एंगल दरमियान में क्या बन रहा है, एक्स ओ पी, मेरे पास बन रहा है बीटा, ये पूरा एंगल जो है ना, जो ओ पे ये वाला एंगल बन रहा है, ये क्या होगा मेरे पास, बीटा होगा। और ये किन साइड के दरमियान बन रहा है, स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो, कैपिटल एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये बन रहा है एक्स ओ पी। उसके बाद मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ क्यू, ये एक्स ओ क्यू क्या है, एक्स ओ क्यू, तो ये इस तरह कुछ बन रहा है, क्यू थोड़ा ऊपर है, ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, और ये क्यू हो गया, ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो देखो एक्स ओ क्यू, ये पूरा एंगल जो है, जो एक्स और ओ क्यू के दरमियान ये पूरा एंगल जो बन रहा है यहाँ से लेके ओ क्यू साइड तक, ये पूरा एंगल जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, ये हमने लेट कर लिया, तो बीटा भी बना दिया मैंने, अल्फा भी बना दिया। उसके बाद अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ समझ लो कि जैसे साइड्स में होता है ना, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये पूरी लेंथ 7 के बराबर है और टोटल लेंथ जो है वो 10 के बराबर है, ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, ये पूरी लेंथ 7 के बराबर है, टोटल पूरा कितना है, 10 के बराबर है, तो ये कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, इस 10 में से अगर आप ये 7 माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, इसी तरह बोलोगे ना, इस पूरी लेंथ में से अगर आप ये वाली माइनस कर दो तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपके पास। सेम एंगल में भी होता है, यहाँ से लेके ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा के बराबर, और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है, बीटा के बराबर है। अगर इसकी मैं आप लोगों को या साइड पे पिक्चर थोड़ी बड़ी बना दूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की शिकायत हो सकती है कि सर आप छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो आप देखो गौर से, ये पूरा एंगल क्या है, बीटा के बराबर है, ये पूरा बड़ा सा एंगल क्या हमने लेट किया है, अल्फा के बराबर। तो अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ आपने ये वाला एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये पूरे अल्फा में से अगर आप ये इतना सा बीटा माइनस कर दो, पूरे अल्फा में से ये छोटा सा बीटा माइनस कर दो, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, अल्फा माइनस बीटा, इस पूरे अल्फा में से आप ये बीटा माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो तीन एंगल आप लोगों को समझ आ गया, एक्स ओ पी के दरमियान एंगल है बीटा, एक्स ओ क्यू ये पूरा एंगल है अल्फा, और अल्फा माइनस बीटा एंगल क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये जो एंगल है पूरा, ये किसके बराबर है, अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। उसके बाद आप ये समझ लो कि इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने कैसे लिखे, मैंने कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस बीटा साइन बीटा, ये मैंने कैसे लिखे। अच्छा, बुक में ना ये क्यू वाली साइड नीचे बनी हुई है, इस क्वाड्रेंट में बनी हुई है, तो ये मैटर नहीं करता क्यू इधर हो इधर हो इधर हो, लॉ सेम ही रहेगा। तो प्रूफ करने में इसमें एक कन्फ्यूजन हल हो रही है, और वो कन्फ्यूजन क्या मैं नहीं बता रहा, क्योंकि बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, फिर जवाब भी देना पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ इस तरह करने से ना कन्फ्यूजन हल हो जाएगी, जिस स्टूडेंट के जहन में आ भी रहा होगा वो सवाल तो नहीं आएगा आपको, तो आपकी मर्जी, इधर बनाओ इधर बनाओ इधर बनाओ इधर बनाओ, सेम चीज़ रहेगी पूरी। तो मैंने अपनी आसानी के लिए इधर बना दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब आ जाओ सवाल पे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे आप लेट कर लोगे। तो सबसे पहले ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मेरे पास एक पॉइंट है और मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, सबसे पहले देखो, मैंने पहले भी बहुत डिटेल में चीज़ बताई हुई है कि हर चीज़ का ना एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं इधर खड़ा हूँ कराची में, तो मेरी एक लोकेशन है बाकायदा, मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कराची का लेटीट्यूड जो है वो 24.8585 है, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन 24.85 या 75 है कुछ। तो हर सिटी का लेटीट्यूड होता है अपना,
उसकी लोकेशन होती है बाकायदा। इसी तरह एक और चीज़, जैसे दुनिया में माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स की हाइट होती है। मैंने बहुत पहले एग्जाम्पल दी हुई है ये कि हम बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट की इतनी हाइट है, अच्छा K2 की इतनी हाइट है, तो वो हाइट एक सी लेवल से हम लेते हैं, एक सी लेवल हमने फिक्स किया, हम देखते हैं सी लेवल से वो माउंटेन कितना ऊंचा है, हम बोल देंगे कि वो उसकी इतनी हाइट है। कितने ऐसे माउंटेन सी लेवल्स के बहुत अंदर हैं, सी लेवल के बहुत अंदर हैं, तो अगर उनकी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक हाइट नापी जाए ना, जैसे अगर मैं आप लोगों को थोड़ी पिक्चर बताऊं, ये अगर सी लेवल है और एक माउंटेन है, ये भाई लेट कर लो एक माउंटेन है, ये एक मैंने पढ़ा था, पता नहीं माउंटेन कैसे नाम आता है उसका, उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो सी लेवल के बहुत नीचे है। और अगर आप माउंट एवरेस्ट की बात करो तो वो सी लेवल के नीचे नहीं है इतना, ये माउंट एवरेस्ट लेट्स के मैंने बना दिया। तो अब है कि हम लेते हैं सी लेवल से ऊपर किसकी कितनी हाइट है, तो माउंट एवरेस्ट सी लेवल के ऊपर ज़्यादा है इस माउंटेन से। अगर आप ये सी लेवल अगर कंसीडर कर लो तो ये माउंट एवरेस्ट ज़्यादा ऊंचा है इससे। लेकिन अगर बात की जाए ना टोटल उसकी कितना वो टॉल है, टॉल मतलब बेस से लेके टॉप तक, तो ये वाला माउंटेन जो है ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। माउंटेन कैसे नाम आता है मुझे याद नहीं है उसका, लेकिन हमने क्या किया हम सी लेवल से देखते हैं कि सी लेवल से कौन कितना ऊंचा है। बताने का मकसद देखिए एक रेफरेंस प्लेस किया हुआ है आपने कि यार यहाँ से हमने हाइट किसी की देखनी है। उसी तरह अगर हम मैथ में एक पॉइंट की लोकेशन शो करनी है आपने, तो इस पॉइंट की लोकेशन हम कार्टिशियन सिस्टम में, जो आप लोग पढ़ते रहते हो सेकेंड ईयर में, आप डिटेल से पढ़ोगे कार्टिशियन सिस्टम है क्या, इसको कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसमें हम पॉइंट की लोकेशन तीन कोऑर्डिनेट से बताते हैं, एक्स वाई जेड। अपनी आसानी के लिए फिलहाल आप 2D सिस्टम की बात कर रहे हो तो जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई की लोकेशन बताने का मकसद क्या है कि हम पॉइंट को बताते हैं कि उसकी पॉइंट एक्चुअल लोकेशन क्या है उसकी। लेट्स से अगर मैं एक्स बोल रहा हूँ 2 के बराबर है, वाई 3 के बराबर है, तो ये मैं बताएगा कि ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस से इतना दूर है 2, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस है, ये पूरी हाइट इसकी कितनी है 3 के बराबर है, ठीक है। तो पॉइंट की लोकेशन मैं इस तरह शो की है। अगर इसमें से एक होगा तो मैं नहीं कंफर्म बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि लेट कर लो वाई मेरा पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स पता है 2 के बराबर। अब ऐसे कितने पॉइंट हैं जिनका एक्स क्या है 2 के बराबर है, जैसे ये वाला पॉइंट का भी एक्स कितना है 2 के बराबर है, इस वाले पॉइंट का भी एक्स कितना है 2 के बराबर है। जब तक मुझे वाई वैल्यू नहीं पता चलेगी मुझे एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन ही पता नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जिनका एक्स जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। तो थोड़ी समझ आई होगी आप लोगों को पिक्चर। एक होता है ये वाला कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, अच्छा ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, मैं कोई लंबी नहीं कर रहा, टॉपिक में इस्तेमाल करना है। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दो चीज़ें यूज करते हैं, आर और थीटा। कोई भी अगर पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट में, लेट कर लो पी पॉइंट, कार्टेशियन में इस तरह हम बताते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट में हम इस तरह बताएंगे कि अगर उस पॉइंट की हमें लोकेशन शो करनी तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले उसका आर निकालो। आर क्या होगा, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ये पूरा, या कोई भी एक पॉइंट है आर, उसका डिस्टेंस ये इस ओ पॉइंट से, ये कितना है पहली चीज। दूसरा थीटा क्या है, उसकी रोटेशन क्या है, ये बन गया उसका भाई थीटा। तो जब तक दो चीज़ें नहीं होंगी मैं पॉइंट की लोकेशन स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कैसे, लेट से अगर मुझे सिर्फ आर बताओ मुझे थीटा नहीं पता, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। लेट कर लो आर क्या है 5 के बराबर है, ये पूरी लेंथ 5 के बराबर, तो वो यहाँ भी बन सकती है, वो इधर भी बन सकती है 5, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन थीटा मुझे बताएगा कि लेट से अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री यही वाली लाइन है, ये वाली लाइन 45 डिग्री नहीं बनेगी। तो इसमें आर थीटा दोनों ज़रूरी होंगे और दोनों इनका फंक्शन है। इस वाले डेरिवेशन में हम इसको और इसको कंबाइन कर देंगे आपस में। अब वो कंबाइन कैसे करेंगे वो देख लो आप। अगर आप एक कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर कर लो एक्स और वाई एक्सिस वाला, मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स और वाई है। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दूं तो एक्स मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास है इस पॉइंट का ये वाला पूरा डिस्टेंस ना, ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, तो इसे मैं नीचे भी बना सकता हूँ ना, ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। और वाई क्या है, ये पूरी हाइट भी वाई के बराबर है। और लेट कर लो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर, लेट कर लो अब मेरी तरफ से कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर के बराबर है। और लेट कर लो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा के बराबर बन रहा है। अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री घुसाते हैं इसके अंदर। आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैंने वो याद करवाया, वैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसे याद कर लेना। साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली, तो परपेंडिकुलर पी वाई हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल की, वो इस आर के बराबर है। मैंने बेसिकली इस पॉइंट से ना राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बना लिया,
जिसमें ये चीज़ एक्स है, बेस उसकी परपेंडिकुलर वाई है और मैंने ये चीज़ आर लेट कर ली है। ये हो गया साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा भी निकाल लो। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है आर के बराबर है। अब देखो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट इनके आपस में रिलेशन चल रहे हैं, मतलब वो वाले रिलेशन नहीं चल रहे, मतलब आपस में इनका रिलेशन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो y की अगर आप वैल्यू निकालो, y बराबर आ रहा है r साइन थीटा के, और x की वैल्यू निकालो, r को उधर भेज दो, तो x बराबर है r cos थीटा के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद लेट कर लो, अगर मैं एक यूनिट सर्किल यहाँ बना देता हूँ, यूनिट सर्किल मतलब एक सर्किल पूरा बना देता हूँ, ठीक है, और लेट कर लो, ये शायद पिक्चर आप लोगों को थोड़ी क्लियर ना हो, मिटा देता हूँ। यूनिट सर्किल को मैंने एक पॉइंट पिक किया, वही अगेन सेम मैंने ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये एक्स है, ये वाई है और ये आर है, बस फर्क ये है और ये एंगल बन रहा है। ये मैंने पहले भी बताई हुई चीज़, लेकिन डेरिवेशन के लिए दोबारा बता रहा हूँ, और एंगल बन रहा है थीटा। जब हम यूनिट सर्किल की बात करते हैं तो यूनिट सर्किल की डेफिनेशन ही ये है कि ऐसा सर्किल जिसका रेडियस जो है वो वन के बराबर होता है। तो आपको पता है साइन थीटा, सॉरी वाई किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर है। अगर यूनिट सर्किल की मैं बात करूं तो आर क्या होगा, वन के बराबर होगा, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वाई बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। इसी तरह एक्स बराबर है आर कॉस थीटा। अगर मैं यूनिट सर्किल में बात करूं तो रेडियस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा, जब वन पुट करोगे कॉस थीटा हो जाएगा। तो तभी मैंने यूनिट सर्किल में बताया था कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस थीटा, और किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। इसी तरह यहाँ कोऑर्डिनेट आए, बस जो एंगल बन रहा होता है वो आप साथ लिख लेते हो, तो एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो इन दोनों में थीटा आ गया। तो थोड़ा बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को समझाया ये हो क्या रहा है चीज़ें, दोबारा मैंने एक चीज़ थोड़ी क्लियर कर दी आप लोगों के। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एंगल कितना, अच्छा अगर आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ये वाला, ये पूरी चीज़, तो ये एक्स हो जाएगा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि डायग्राम ख़राब नहीं करना चाह रहा आपने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हो जाएगा और ये पूरा डिस्टेंस वाई हो जाएगा। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो अगेन इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा बन रहा था, यहाँ पे बीटा बन रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, और वाई क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, बीटा, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, साइन बीटा के बराबर हो जाएगी। जब आप क्यू पॉइंट की बात करोगे, अगेन क्यू पॉइंट से आप इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, मैं साइड पर बना देता हूँ क्योंकि वो गंदा ना हो जाए। फिर ये क्यू पॉइंट है, अगेन आप इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। आपको पता है ये क्यू पॉइंट और ये एक्स एक्सिस है, तो ये x एक्सिस कंसीडर करो, ये q पॉइंट करो, ये x एक्सिस और q पॉइंट के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है। तो अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर मैं q पॉइंट की बात कर रहा हूँ, q पॉइंट के x क्या होगा, ये वाला, अगर मैं q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉप करूँ ना, तो ये वो मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है, थोड़ा इमेजिन कर लो आप लोग, यहाँ बनाने नहीं चाह रहा, डायग्राम सारी गंदी हो जाएगी। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और x और q इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है पूरा, ये पूरा एंगल क्या है, अल्फा के बराबर बन रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या अल्फा के बराबर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस अल्फा, फिर होता है साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है अल्फा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइन अल्फा। तो मेरे ख्याल में अभी तक जितनी मैंने डायग्राम बनाई है मैंने आपको डिटेल से समझा दी है, जैसी ये डायग्राम चेंज होती जाएगी, अभी आगे चेंज भी होगी पूरी है, तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो ये चीज़ लिखी हुई है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर, ये मैंने आप लोगों को बता दी पूरी चीज़।